हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल रिया स्टॉक्स में। तो यार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ 12 रुपये का शेयर। अभी तो स्टॉक का प्राइस 12 रुपये ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक टाइम था जब स्टॉक का प्राइस 9 रुपये ट्रेड कर रहा था और एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। तब उस समय स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, ठीक है। लोग हो गए स्टार्ट 9 रुपये के शेयर्स में तेजी, राइट। आज स्टॉक ने इंटरडे में एक अपर सर्किट लगाया और सबसे इम्पोर्टेंट कि 84% की डिलीवरी उठाई गई है। तो कुछ ना कुछ तो बड़ी खिचड़ी पक रही है स्टॉक में, और साथ में ये भी सेम इंडस्ट्री का स्टॉक है जिस इंडस्ट्री में ट्राइटन काम करता है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेकर चलता हूँ आपको स्टॉक के नाम की तरफ, करंट वैल्यूशन की तरफ, और क्यों ये डेट फ्री पेनी स्टॉक इतना ऊपर गया है, और जानने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक के हमारे क्या टारगेट निकल के आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जिस टेक्सटाइल स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, आप ध्यान से देखोगे तो 12 रुपये 68 पैसे ट्रेड कर रहा है, और अगर 6 मंथ की परफॉर्मेंस चेकआउट करते हो तो स्टॉक ने मोर देन 69% का रिटर्न दिया है। और देखो, मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोग स्टॉक लगातार इस रेंज में ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 1-2 महीने, और उसके बाद स्टॉक देखो आज स्टॉक ने रेंज ब्रेकआउट कर दिया है। स्टॉक आज आपका 12 रुपये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, स्टॉक में पोटेंशियल है, था और रहेगा। स्टॉक में अपना जो लास्ट स्विंग है 2008 का, उसको टेस्ट करने वाला है, ऑलमोस्ट टेस्ट करने वाला है, बहुत जल्द टेस्ट कर लेगा। अब इंपॉर्टेंट है कि इसको तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता, उसके लिए आपको 2 या 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ पुराना क्लिप, और जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, ये स्टॉक हमने आपको बहुत पहले 6 रुपये के लेवल से 7 रुपये के लेवल से सजेस्ट किया था, ठीक है। ये 9 रुपये के आसपास का प्राइस देख सकते हो, सितंबर 22 का ये वीडियो है, ठीक है। जब स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है, जब स्टॉक एक लगातार एक रेंज में घूम रहा था, ठीक है। और आप ये साथ में देख सकते हो, या मैंने पूरा प्राइस एक्शन बताया आपको कि स्टॉक के नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। तो आप इसकी जो क्लिप होगी अभी वीडियो की, वो चलाने वाला हूँ, तो उसको एक बार सुनो, उसके बाद हम आगे का व्यू शेयर करते हैं कि स्टॉक में आप तो क्या देखिए, करके चल स्टॉक ने सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर एक रजिस्टर लिया है, ठीक है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, यहाँ रजिस्टर लेके नीचे गिरा है, और साथ में देखिए यहाँ इसने 2017 के आसपास ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट किया है। ये मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है, और करंटली स्टॉक आपका सपोर्ट ले रहा है आपके सपोर्ट एरिया के आसपास, 2 बार सपोर्ट ले चुका है। और तीसरा रीजन स्टॉक का रिकमेंड करने का क्या है, देखो लुक एट द वॉल्यूम, ये कैंडल का जो वॉल्यूम है प्योर हरा है, लेकिन उसके अगले कैंडल में जो वॉल्यूम आया है कितना कम आया है। अगर ये स्टॉक को नीचे गिरना था, मतलब ये बोल सकते हो फेक है, ये जो ये गिरावट है ये फेक है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। 15 रुपये से आपका 8 रुपये आ गया है, मतलब फेक गिरावट है। इसको प्रॉफिट बुकिंग बोला जाता है, ना कि बोला जाता है कि स्टॉक क्रैश हो गया, नहीं। तो यहाँ कैसे पता करा मैंने, बहुत सिंपल है, इसका वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम देखो, साफ पता चल रहा है कि जो ये वॉल्यूम है, ये अगर मान लो किसी व्यक्ति ने 100 रुपये यहाँ इन्वेस्ट किया है इस वॉल्यूम कैंडल में, ठीक है, तो उसने मात्र 60 रुपये का कवर किया है, 40 रुपये का माल रखा है। इसका मतलब वो समझदार है, वो क्या करेगा, वो अगली कैंडल जो बन रही है, फॉर्मेशन हो रही है, वहां पर अपना 30 और 40 रुपये का माल दोबारा से एंट्री करेगा। इसको बोलते हैं तरीका, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। उसने क्या किया, यहाँ सस्ते माल बाय किया, प्रॉफिट बुक किया, दोबारा स्टॉक को नीचे गिराया, और दोबारा स्टॉक को एंट्री किया, और दोबारा स्टॉक को ऊपर पंप करेगा। और यहाँ यही गलती हम रिटेल करते हैं, हम स्टॉक को यहाँ बेच देते हैं सिर्फ क्या देख के, प्राइस देख के, हम तो वॉल्यूम देखते नहीं कभी, और स्टॉक आपका पंप हो जाता है। देखो यहाँ जैसे यहाँ ये स्टॉक गिरा, दोबारा पंप हो गया। आपको वॉल्यूम को पक्का देखना है वाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वॉल्यूम को देखा करो। तो ये स्टॉक एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट सपोर्ट के आसपास खड़ा है, तो स्टॉक को भी आप नजरों में रख सकते हैं। स्टॉक तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने सुना होगा कि कैसे प्रेडिक्शन आपको बताया गया था कि स्टॉक सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट उसने किया था वहाँ उसके आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहीं स्टॉक में सपोर्ट आके स्टॉक द्वारा ऊपर गया है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक के करंट फाइनेंशियल कैसे है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है, अच्छे नंबर्स दे रही है लास्ट 5 सालों में, और देख सकते हो कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट दे रही है, लेकिन आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के सेल्स आप देख सकते हो, ये रही आपके सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी के, मैंने प्रॉफिट खोल रखे आपके सामने, और आपको देखने को मिलेगा सितंबर में कंपनी के जो प्रॉफिट थे, ठीक है, 1.35 करोड़ की सेल्स थी, प्रॉफिट कंपनी ने नहीं दिया, आपको लॉस दिया, और उससे पहले भी लॉस था, लेकिन उससे पहले कंपनी आपको प्रॉफिटेबल दे रही थी, मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा दे रही थी। बाकी ईयरली परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, कंपनी लगातार 10 सालों से आपको प्रॉफिट ही दे रही है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो आप देख सकते हो रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, साथ में जो डेट है 0 रुपये का है, और कैश फ्लो की बात करें, नेगेटिव कैश फ्लो है। वहीं अगर बात करता हूँ आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% के आसपास है, और साथ में पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हो 25% थी,
तो ये कुछ रीजन थे स्टॉक को सजेस्ट करने के, और आप देख सकते हो आज स्टॉक का प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आज इंट्राडे स्टॉक में क्या काम पहुंच हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे इसके लेटेस्ट चार्ट पैटर्न की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 27 लाख प्लस शेयर्स लोग घर लेके गए, ठीक है, ऑलमोस्ट 84% की डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है स्टॉक में। अब बात करते हैं स्टॉक के लेटेस्ट चार्ट पैटर्न की, कि स्टॉक में अभी आप क्या करके चल सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने लेटेस्ट चार्ट पैटर्न खोल दिया स्टॉक का, और जैसे मैंने आपको बताया था ये रेंज में स्टॉक को आप कहीं भी बाय करके चल सकते थे, और आप देख सकते हो दोबारा से स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक में क्या करें, तो देखो ये आपका स्टॉप लॉस होगा मेरे हिसाब से जब लास्ट में वीडियो बनाया था 7 रुपये 65 पैसे के आसपास। तो अब स्टॉक क्या ऊपर जा सकता है, तो देखो दोस्तों मेरे जो स्टॉक के टारगेट थे, ये मेरा जो पहला रजिस्टर बनता है देख सकते हो ऑलमोस्ट 12 रुपये 80 पैसे, तो कल स्टॉक 12 रुपये 80 पैसे जाता है तो थोड़ी बहुत वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप स्टॉक में थोड़ा बहुत माल बेच सकती हो, बाकी स्टॉक में बड़ी तेजी जब तक नहीं आएगी जब तक स्टॉक 15 साढ़े 15 रुपए के ऊपर क्लोज नहीं कर देता, मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन एरिया इसके ऊपर क्लोज नहीं कर देता। और बोल देना चाहता हूँ ये जो रजिस्ट्रेशन एरिया है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन बना है ये बना है आपका लास्ट ईयर का एक रजिस्ट्रेशन था, बहुत पुराना रजिस्ट्रेशन देख सकते हो, ये रहा ये रजिस्ट्रेशन था, तो ये तीसरी बार इसको टेस्ट करने जा रहा है, तो क्या ये तोड़ सकता है, मेरे हिसाब से अभी ये नहीं तोड़ेगा, ठीक है, अभी नहीं तोड़ने वाला ये, ठीक है, फर्स्ट टाइम अभी कर चुका है टेस्ट, ये रहा सेकेंड टाइम करने वाला है, और ये मेरे हिसाब से जो प्राइस एक्शन है वो थर्ड टाइम होता है, ठीक है, थर्ड टाइम ये रजिस्ट्रेशन तोड़ेगा, हो सकता है तोड़ सकता है लेकिन मेरे हिसाब से नहीं तोड़ेगा, ये इसको रजिस्ट करके नीचे गिर सकता है, फिर सपोर्ट लेगा दोबारा से 12 रुपये 60 पैसे के आसपास, तो 12 रुपये 60 पैसे के आसपास आप स्टॉक को दोबारा बाय कर सकती हो, ठीक है, मतलब ये दोबारा रजिस्ट्रेशन लेगा 15.50 में, फिर नीचे गिरेगा 12.60 में बाय आएगा दोबारा से, फिर दोबारा स्टॉक ऊपर जाएगा, तो ये प्रोजेक्शन स्टॉक पे बनने वाला है, समझ गए क्या बनेगा, ये स्टॉक 15.50 जा सकता है, वहां रजिस्ट करेगा नीचे गिरेगा सपोर्ट लेगा 12.60 में, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से स्टॉक में प्राइजेक्शन बनने वाला है। तो अगर आप चाहो तो प्राइजेक्शन को फॉलो कर सकते हो, अगर आपके पास स्टॉक है ये तो आपका जो लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस रहना चाहिए 12 7 रुपये 60 पैसे का रहना चाहिए अगर आपके पास है, बाकी अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर लो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कंपनी के जो नंबर है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस साल के जो नंबर है डिक्लाइन हो रहे हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है कि स्टॉक बहुत जल्द ऊपर जाने के बाद नए हाइस तो बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा, उसके बाद नीचे गिर सकता है और फिर एक रेंज में फंस सकता है अगले 1 से 2 सालों में, ठीक है, मतलब एक रेंज बनाएगा फिर नेक्स्ट 2 सालों में, फिर वो रेंज तोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है स्टॉक के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो गेन आपको करना है प्रॉफिट बुक करो और एग्जिट करो, ठीक है, लेकिन जो स्टॉप लॉस बताया उसको पक्का फॉलो कर लेना, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, ये उनके लिए स्टॉप लॉस बता रहा हूँ जिन्होंने स्टॉक को 9 रुपये के आसपास बाय किया है, ठीक है, अगर आपको अभी बाय करना है तो अभी बाय मत करना जब तक ये 15 रुपये नहीं जाता, फिर जब दोबारा रिटेस्ट करने नहीं आता 12 रुपये के आसपास, उससे पहले बाय नहीं करना है, तो तब तक स्टॉक को नजरों में रखो, ठीक है, आपको फॉलो तो करना पड़ेगा अगर आपको रिटर्न कमानी है, राइट। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपको स्टॉक में क्या करके चलना चाहिए। तो इस वीडियो का समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में, और ये स्टॉक टाइडेंट से अच्छा हो सकता है लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है, टाइडेंट को भी 10 साल लगा है तो इसको भी कम से कम टाइम लगेगा, अगर टाइम दे सकते हो डेफिनेटली होल्ड करो, नहीं दे सकते तो आपको बजा आपको क्या करना है। तो खत्म करता हूँ वीडियो को, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।